SPN9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली हाई कोर्ट में आज तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा किए गए मानहानि के मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्रोई ने कहा कि वरिष्ठ वकील यानी कि महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कल मुझे फोन किया और कुत्ते की वापसी के बदले में मुझसे सीबीआई की शिकायत वापस लेने को कहा। इसके बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने हितों के टकराव को लेकर खुद को कैश वॉर क्वेरी मामले से अलग कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी, जब अनंत देहद्राइज ने महुआ पर अपना कुत्ता रखने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राइज ने दावा किया कि मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल ने इस मामले में हितों के टकराव से जुड़े हैं। देहद्राय ने ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा लेने का आरोप लगाते हुए सबूत दिए थे। साथ ही साथ बताते चलें कि महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट से कहा कि उनकी क्लाइंट एक प्रतिष्ठित पद रही है और सांसद है, याचिकाकर्ता एक सांसद है और संसद में बेहतर मुखर रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब कोई उनके खिलाफ आरोप लगाने के लिए सामने आया है। इसके बाद देहद्राय ने अदालत से अनुमति मांगते हुए बहस शुरू की और कहा कि गोपाल शंकर नारायण के लिए हितों के टकराव का मामला है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील ने कल मुझे फोन किया और कुत्ते को वापस करने के बदले में मुझसे सीबीआई की शिकायत वापस लेने को कहा। इस पर जस्टिस दत्ता ने आश्चर्य जताते हुए बताया कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्या यह सच है कि आप इस मामले पर प्रतिवादी के संपर्क में हैं? इस पर शंकर नारायण ने जवाब देते हुए कहा, मैंने अपने क्लाइंट से बात की है और साथ ही साथ कहा कि मैं जय देहद्राय को जानता हूँ, मुझे उनसे बात करने का प्रयास करने दीजिए। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि यदि आपने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की तो आप इस मामले में वादी के वकील के रूप में पेश होने के योग्य कैसे हुए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महुआ मोइत्रा है टीएमसी सांसद, अब वो घिरती नजर आ रही है। और यहाँ जो अपडेट सामने आई है कि उनके जो वकील थे, उनके जो पर्सनल वकील थे, वो इस केस से अब अलग होते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।